अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सलबा व तालिबात, आज इंशाअल्लाह जमात नहुम की पाँचवीं गज़ल का हम मुताला करेंगे जिसके शायर कलीम आजिज़ हैं। पहली बात, आम तौर पर कहा जाता है कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। आपने कई मरतबा सुना होगा कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी। गज़ल में शायर इशारों में कभी बड़ी गहरी बात कह जाता है। तो गज़ल जो है इशारों और किनायों में शायर अपनी बात रखता है। गज़ल में आमतौर से इशारों और किनायों का इस्तेमाल होता है। बात को वाज़े तौर पर बयान नहीं किया जाता बल्कि पर्दों में बात की जाती है। यानी इसमें ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया जाता है कि जिसमें इशारे और किनाए का इस्तेमाल होता है। कभी अपने दिल का हाल बयान करता है तो शायर कभी इशारों में बड़ी बात कह देता है, कभी कभी अपने दिल की बात बयान करता है। बादशाहों के दौर में किसी क्या मजाल जो उनके ख़िलाफ़ लपकुशाई करे। लपकुशाई करना बोलना, यानी पहले ज़माने में जब बादशाहों का दौर था तो उस ज़माने में कोई बादशाहों के ख़िलाफ़ नहीं बोलता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो उस ज़माने में शायर अपने कलाम में महबूब की ज़्यादतियाँ बयान किया करता था, मगर वाक़ियातन वो हुक्मरानों के ज़ुल्म सितम की तरफ इशारा करता था। तो उस ज़माने में शोरा क्या करते थे कि अपनी शायरी में अपने कलाम में महबूब की ज़्यादतियाँ बयान करते थे। यानी महबूब ने जो ज़ुल्म सितम किया, जो बेतवज्जोही बरती, उसका ज़िक्र करते थे, उसकी ज़्यादतियों का ज़िक्र करते थे इशारतन। हालांकि वो अपने महबूब और अपने दोस्त की बजाय वो उन हुक्मरानों की तरफ इशारा करते थे, मगर वाक़ईतन वो हुक्मरानों के ज़ुल्म सितम की तरफ इशारा करता था। तो शायर क्या करता था उस ज़माने में कि वो बज़ाहिर अपने महबूब और अपने दोस्त की ज़्यादतियाँ बयान करता था, लेकिन वो हुक्मरानों के ज़ुल्म व सितम की तरफ इशारा करता था उसके ज़रिए से। ये रिवायत गज़ल में भी पाई जाती है। तो वो कसीदे में आमतौर से जब बादशाहों के सामने कसीदे पढ़े जाते थे, उनकी तारीफ़ की जाती थी, तो उसमें इस तरह की बातें आती थी। लेकिन गज़ल में भी जो है ये रिवायत पाई जाती है। ये इशारे इतने बलीग हुआ करते हैं कि इन अशार को हर उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी ज़्यादतियों को बयान करना है। अभी जो हम गज़ल पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी आप ऐसे ही देखेंगे। तो ये जो कि ये इशारों और किनायों में बातें कही गई हैं और ऐसी बातें हैं कि इसको हर उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो ज़ुल्म सितम करता है, जो मतलब ये कि दूसरों की के ज़ुल्म को और ज़्यादतियों को बयान करने के लिए इशारों और किनायों का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि बज़ाहिर वो महबूब की तरफ इशारा मालूम होता है लेकिन वो उनके ज़ुल्म को बयान करना मकसूद होता है। इतने बलीग हुआ करते हैं, यानी इतने मुकम्मल होते हैं उनके इशारे कि इसको आप यानी इसको दोस्त की तरफ भी, दोस्तों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी ज़्यादतियों को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे करीम आजिज़ की जो यह गज़ल हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसी मिजाज और रंग व आहंग की हामिल है। तो इसी अंदाज़ की है, इसी रंग और इसी लहजे की गज़ल है ये, जिसमें बज़ाहिर दोस्त से शायर बात कर रहा है लेकिन वो हुक्मरानों को भी की तरफ भी इशारा कर रहा है। और इनका शेर बहुत मशहूर है, आपने सुना भी होगा कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। ये बहुत मशहूर शेर है, इसका इंशाल्लाह हम तशरीह नीचे पेश करेंगे गज़ल के अशआर समझाते वक्त। तो इस तरह से यानी इस गज़ल में इशारतन कलीम आजिज़ ने हुक्मरानों की तरफ की ज़्यादतियों की तरफ भी इशारा किया है। कलीम आजिज़ के बारे में अगर हम पढ़ें तो कलीम आजिज़ का मुख्तसर तारुफ हम देखते हैं। ये असल में 11 अक्टूबर 1924 को तिल्हाड़ा में ज़िला नालंदा बिहार में पैदा हुए। तिल्हाड़ा इनके गांव का नाम था नालंदा ज़िले में जो बिहार में वाक़ है। इब्तदाई तालीम पटना मुस्लिम स्कूल में मुकम्मल की। शुरू में उन्होंने पटना में पढ़ा मुस्लिम स्कूल में, फिर पटना यूनिवर्सिटी से एमए और डॉक्टरेट की डिग्रियाँ हासिल की। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से एमए की और पीएचडी की डिग्री ली। कलीम आजिज़ ने मुल्क और बैरून मुल्क के अहम मुशायरों में अपना कलाम सुनाया और इनकी ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी उन्होंने बड़े बड़े मुशायरों में अपने अशआर सुनाए। जब फसल बहार आई थी वो जो शायरी का सबब हुआ, ये इनकी किताबें हैं शायरी की। जब फसल बहार आई थी ये उनकी किताब है, और वो जो शायरी का सबब हुआ ये भी शायरी की किताब है, और जहाँ खुशबू ही खुशबू थी ये उनकी सवाने हैं, खुद नविश्त है, खुद उन्होंने अपने हाथ से सवाने लिखी है जिसका नाम है खुशबू ही खुशबू।
जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, ये उनकी खुद नवीश सवानी उम्र का नाम है। और एक किताब उनकी यहाँ से काबा, काबे से मदीना, ये सफ़रनामा उन्होंने लिखा था, तो ये सफ़रनामा है। उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं, उनकी मशहूर किताबें हैं। 1982 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री के एजाज़ से भी नवाजा, उनको अवार्ड भी मिला था, पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए थे। 15 फरवरी 2015 को हज़ारीबाग में उनका इंतकाल हुआ, और अभी 5 साल पहले तकरीबन उनका इंतकाल हुआ। तो ये गज़ल जो बहुत मशहूर गज़ल है उनकी, हम देखते हैं। मेरे ही लहू पर गुज़र औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। यहाँ पे लहू खून के मानी में आता है, गुज़र औकात करना यानी गुज़र बसर करना, ज़िंदगी गुजारना। तो शायर यहाँ कह रहा है, बज़ाहिर अपने दोस्त से मुखातब है, लेकिन ये शेर हर उस शख्स के लिए कहा जा सकता है कि जो एहसान फरामोश हो, जो हुकूक़ का ख्याल ना रखता हो और लोगों का पासो लिहाज ना रखता हो, उसके लिए शेर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे ही लहू पर गुज़र औकात करो हो, यानी मेरे ही खून पर तुम गुज़र बसर करते हो, यानी मेरे ही खून पसीने की कमाई पर तुम्हारा गुजारा होता है। मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, और होना ये चाहिए था कि तुमने जब मेरे ही लहू पर गुज़र औकात तुम्हारी है, तो आपने जो है अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए था, अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन हो यह रहा है कि तुम मुझसे अमीरों की तरह बात कर रहे हो। तो यानी यहाँ पर शायर ने अमीरों पर भी तंज किया है कि अमीर लोग जिनके पास कुछ माल होता है वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं। तो होना ये चाहिए था कि जब मेरे ही लहू पर गुज़र औकात है, यानी मेरी ही खून पसीने की कमाई पर तुम्हारी गुज़र बसर है, तो मुझसे नरम लहजे में अच्छे अंदाज से गुफ्तगू होनी चाहिए थी, लेकिन तुम जो है अमीरों की तरह बात कर रहे हो। तो जिनके पास माल आ जाता है उनके तकब्बुर और अकड़ भी पैदा हो जाती है, और वो अकड़ के बात करते हैं, तो तुम बिल्कुल उसी तरह बात कर रहे हो। इसमें तशबीह का भी इस्तेमाल किया, अमीरों की तरह, यानी तुम अमीरों की तरह बात कर रहे हो, तुमको अमीरों की तरह से तशबीह दी है। तो इसमें उन लोगों की तरफ भी इशारा है कि जो अवाम के वोट से जीत के आते हैं और अवाम की खुशामद करके वोट हासिल करते हैं, और फिर जब वोट मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद वो अकड़ के गुफ्तगू करने लगते हैं। यानी ये ऐसे बलीग अशार हैं इस दौर में कि आप इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं। मेरे ही लहू पर गुज़र औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, हर उस शख्स पर उसको इस मुंतबिक किया जा सकता है कि जो एहसान फरामोश हो, जो लिहाज नहीं रखता, उस पर इसको फिट किया जा सकता है। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। इसमें शायर ने अपने दोस्त की तरफ इशारा किया है कि, लेकिन ये पूरी गज़ल ऐसी है कि जिसमें हुक्मरानों की तरफ भी इशारा किया गया है, यानी बज़ाहिर दोस्त से गुफ्तगू है लेकिन हुक्मरानों से भी खिताब है। कह रहे हैं कि दिन एक सितम रात करो हो, सितम जुल्म को कहते हैं, यानी एक जुल्म रात को करते हो और दिन को एक जुल्म करते हो, रात को एक जुल्म करते हो। मतलब ये कि दिन और रात कोई वक्त ऐसा खाली नहीं रहता कि जब तुम्हारे जुल्म सितम जारी ना रहते हों, हर वक्त तुम जुल्म करते रहते हो, और ऐसे दोस्त हो कि तुम दुश्मन को भी मात देते हो। मात देना, मात करना यानी शिकस्त देना। ऐसे दोस्त हो कि तुम दुश्मन को भी हरा देते हो, यानी तुम्हारी दोस्ती ऐसी है कि दुश्मन भी क्या ऐसी तकलीफ़ पहुँचाएगा जैसी तकलीफ़ें तुम पहुँचाते हो। तो इसमें सनद तजाद का भी इस्तेमाल किया, दिन रात, और यानी अपने दोस्त की ज़्यादतियों को किस खूबसूरती से बयान किया। अब गज़ल का ये शेर उन हुक्मरानों पर भी सादिक आता है कि जो दोस्त बनते हैं, बज़ाहिर हमदर्द बनते हैं, और हमदर्दी में आवाम को इस कदर परेशान करते हैं कि वो दुश्मन से भी बदतर साबित होते हैं। हम खाक नशीं, तुम सुखनाराए सरे बाम, पास आके मिलो, दूर से क्या बात करो हो। यहाँ भी शायर ने जो आम हमारी कदीम शायरी में बयान किया जाता है कि
महबूब जो है वो यानी तवज्जो नहीं देता और बात को ध्यान से सुनता नहीं है, और आशिक कोशिश करता है उसको मनाने की, उस पर वो उसके लिए कुर्बानियाँ देता है, लेकिन उसके बावजूद माशूक पर महबूब पर उससे कोई असर नहीं होता और वो अपने ही नाज़ और अंदाज़ में रहता है। तो इसी को शायर ने कहा कि हम खाक नशीं, खाक नशीं यानी मिट्टी पर बैठने वाले, और सुखन आराए सरे बाम, तो इसका मतलब होता है कि छत पर से गुफ्तगू करना, सुखन आराए सरे बाम, सरे बाम छत के ऊपर यानी बुलंदी पर, सुखन आरा यानी गुफ्तगू करने वाला, तुम सुखन आ रहा है सरे बाम, छत पर से तुम गुफ्तगू करने वाले हो, हम खाक पर बैठने वाले हैं मिट्टी पर और तुम छत पर से गुफ्तगू करने वाले हो, बुलंदी पर से गुफ्तगू करने वाले हो, पास आके मिलो दूर से क्या बात करो हो, तो पास आके मिलो, तुम ऊपर हो बुलंदी पर हो, हम नीचे खाक पे बैठे हुए हैं और वहीं से तुम बात कर रहे हो, तो ऐसे बात नहीं होती। अगर आपको हमसे बात करनी है तो आपको पास आके मिलना पड़ेगा, दूर से कोई बात नहीं की जाती। इसमें बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में शायर ने ये बताया कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप बुलंदी से बात करेंगे और हम नीचे बैठ के उसको सुनेंगे तो ये बात नहीं हो सकती, आपको हमारे बराबर आना पड़ेगा तब हम आपकी बात सुन सकते हैं। तो ये जो फासले बना दिए गए यानी समाज में जो दूरियाँ पैदा कर दी गई अमीरों और गरीबों के दरमियान, और ये कि जो तबकात अपने आप को बुलंद समझते हैं और ऊँची ज़ात के समझते हैं, वो निचली ज़ात के लोगों से जिस तरह का रवैया रखते हैं, तो उन सब की तरफ इशारा है, और फिर अपने दोस्त की तरफ भी इशारा है कि हम तो इतने आजीज़ी से बात करते हैं, इतनी नरमी से गुफ्तगू करते हैं, और तुम जो है वो बिल्कुल बुलंदी से गुफ्तगू कर रहे हो, अकड़ और तकब्बुर के साथ गुफ्तगू कर रहे हो, तो ऐसी बात नहीं, ऐसा मामला नहीं चल सकता। अगर आपको हमसे बात करनी है तो आपको पास आके मिलना पड़ेगा, दूर से कोई बात नहीं होती। हमको जो मिला है वो तुम ही से तो मिला है, हम और भुला दें तुम्हें क्या बात करो हो, ये है वो शेर जिसमें बहुत गहरा तंज है। असल में कलीम आजिज़ साहब पर जो मजालिम हुए और उनके साथ जो वाक़यात पेश आए वो बड़े दर्दनाक हैं, उनकी सवाने में इसको पढ़ा जा सकता है, और वो जो शायरी का सबब हुआ उसमें भी देखा जा सकता है कि जिसमें उनके ख़ानदान को गोया तबाह कर दिया गया था, तो उन्होंने बहुत तकालीफ उठाई, तो उसी तरफ इशारा किया है कि हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हम और भुला दें तुम्हें क्या बात करो, कह रहे हैं कि हमको जो कुछ मिला वो तुमसे मिला, जितनी मुसीबतें जितनी परेशानियाँ सब कुछ तुमसे मिला है, तो हम तुम्हें भूल जाएं ऐसा नहीं हो सकता, तुम क्या बात कर रहे हो, हम तुम्हें भूल नहीं सकते। तो ये बड़ा तंज इसमें भरा हुआ है, यानी दोस्त की तरफ भी इशारा है कि हमको जो कुछ मिला, जो कुछ तकलीफ़ें रंज मिली रंज जो तकालीफ पहुँची वो सब तुमसे ही मिली हैं और हम तुम्हें भुला नहीं सकते। और इसको एक दूसरे रुख से भी देखा जा सकता है इस शेर को कि हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, अगर कोई मिसाल के तौर पर उस्ताद हो या वालिदैन हो, तो जो सआदतमंद शागिर्द होते हैं या बच्चे होते हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि हमको सब कुछ आप ही से मिला है, हम आपको कभी भुला नहीं सकते, इस तरह का भी इससे मतलब निकाला जा सकता है। तो एक बड़ा शेर ये होता है जिसमें बहुत सी गुंजाइश होती है माने की, लेकिन इसमें चूँकि गज़ल पूरी ये इस गज़ल का जो अंदाज़ है उसमें शिकायतें की गई हैं ज़्यादतियों की, जुल्म की, इस हिसाब से ये तंज का शेर है जिसमें शायर ने बहुत भरपूर तंज किया है कि जो कुछ हमें मिला है वो आपसे मिला है, हम आपको बुला नहीं, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो, ये भी बड़ा तंज किया है कि ऐसे तो हमें आप मुँह फेर के देखते भी नहीं, मतलबी हो जो आप सिर्फ अपना मफाद चाहता हो, तो तुम्हारा भी वही अंदाज़ है कि ऐसे तो तुम मुंह फेर के देखते भी नहीं हो और जब वक्त पड़ता है तो खातिर मदारत करने लगते हो। तो बज़ाहिर अपने दोस्त से मुखातिब शायर, लेकिन यहाँ पर वो तमाम लोग मुराद हैं, जैसे जो वो लीडर वो रहनुमा जो वोट मांगते वक्त तो बड़ी खुशामदें करते हैं और बाद में मुंह फेर के देखते भी नहीं हैं, और हर उस शख्स के लिए है ये कि जो मतलबी हो, जो सिर्फ वक्त पर
खुशामद करता हो और बाद में पूछने के लिए तैयार ना हो। तो दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। आज के दौर के मुताबिक बड़ा अजीब व गरीब शेर है कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, कि जब शायर कह रहा है कि जब तुम कत्ल करते हो तो तुम्हारे दामन पर कोई खून का छींटा भी नज़र नहीं आता और न तुम्हारे खंजर पर कोई दाग दिखाई देता है। तो तुम कत्ल करते हो कि करिश्मा करते हो, कोई करामत करते हो। यानी ये आज के एक बहुत गहरा तंज है कि आज के दौर में जो मजालिम हो रहे हैं, तो जो कत्ल कर रहे हैं वो छूट रहे हैं, बल्कि उनको एज़ाज़ दिया जा रहा है, उनकी वाहवाही हो रही है। और जो बेचारे मजलूम हैं जिनको कत्ल किया गया, उनके घर वालों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है और उसके साथ भी खुद इस तरह का बर्ताव करके उसको मारा गया कि इस तरह मार दिया गया कि उसको इंसाफ भी नहीं मिला। और तो इसी को शायर ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि तुम ऐसे कत्ल करते हो कि कोई तुमको सज़ा भी नहीं होती, तुम बरी हो जाते हो, गोया तुम्हारे दामन पर कोई छींटा भी नहीं आता खून का और तुम्हारे खंजर पर कोई दाग भी नहीं होता। तुम ऐसे कत्ल करते हो कि गोया तुम करामात करते हो, कोई करिश्मा और कोई एक अनोखा काम करते हो कि कत्ल भी कर देते हो और कोई सबूत भी नहीं तुम्हारे ख़िलाफ़ होता। तो बहुत आज की पूरी सूरत हाल शायर ने बयान कर दी कि कातिल जो है मज़े में घूम रहे हैं और जो जो बेचारे मज़लूम हैं वो और ज़्यादा मज़लूम होते चले जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत भी फराहम नहीं होता और जो सबूत होता है उसको मिटा दिया जाता है। तो इसी की तरफ शायर ने बड़े बलीग अंदाज में इशारा किया है, बकने भी तो आज इसको जो बोले है पके है, दीवाना है दीवाने से क्या बात करो हो। अब ये सारी बातें कह दी और फिर आखिर में ये कहता है शायर कि आजिज जो बक रहा है, जो बोल रहा है, उसको बोलने दो, उसको बकने दो। क्यों? इसलिए कि ये दीवाना आदमी और दीवाने से क्या बात की जाए। अब आखिर में सब कुछ कहने के बाद आखिर में अपने आप को दीवाना साबित कर दिया शायर ने कि अब ये आजिज जो है दीवाना है और दीवाने से क्या बात की जाती है। दीवाने की दीवाना कोई जब बोलता है और बकता है तो बड़बड़ाता है तो उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। बस मेरी ये जो गज़ल में आपने बातें सुनी और जो मेरे अशआर सुने, इसको भी आप ये समझिए कि ये दीवाने की बातें हैं और दीवाने का काम ही बड़बड़ाना और बोलना होता है। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में शायर ने यहाँ पर यानी तमाम बातें कहने के बाद ये कह दिया कि आज इसकी बातों पर इतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से ये कलीम आजिज की गज़ल की तशरीह आपके सामने पेश की गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आइंदा इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हम रूबरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।